मेहनत मेरी रहमत है उसकी। क्या बने आप लोग भाई, मेरे भी करने हैं, जल्दी जल्दी कर ले। आपने फेक डिलीवरी ली। क्या ली? फेक डिलीवरी। और इसके प्रूफ मैं आपको दिखा दूंगा। तो गाइज, आपको मालूम होगा, आपने स्टार्टिंग में देखा होगा कि मैंने क्या लिखा हुआ है, टाइटल में भी क्या लिखा हुआ है। ये आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ चीज़ें हो क्या रही हैं दिल्ली में। भाई, माना कि आप एक बड़े यूट्यूबर हो, आपके नंबर्स हैं बहुत अच्छे, आपको पीछे स्क्रीन पे उनके सब्सक्राइबर्स भी दिख रहे होंगे, अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स हैं, आप अच्छी व्लॉगिंग करते हैं, इवन मैं भी आपकी वीडियो देखता हूँ, ऐसा कोई इशू नहीं है, बहुत दुनिया देखती है, सब्सक्राइब करती है, लेकिन व्यूज़ के लिए आप ये क्या कर रहे हो भाई? मैं आपको क्या बोलूँ, मुझे समझ में नहीं आता कि आप ये लोग व्यूज़ के लिए झूठी डिलीवरी वीडियो बना रहे हैं। जब वेस्ट दिल्ली कावासाकी से फर्स्ट टाइम मैंने बुक करी गाड़ी, यानी अपनी ZX10R, जिसकी डिलीवरी वीडियो आप ऑलरेडी देख चुके होंगे, ठीक है, तो JS फिल्म ने क्या किया कि उसने भी अपनी बाइक वेस्ट दिल्ली कावासाकी से ही बुक करी। आप लोगों को दिखाया गया क्या कि पुणे से उन्होंने डिलीवरी ली, लेकिन ऐसा नहीं है, उन्होंने पुणे से डिलीवरी नहीं ली है। जितने बड़े नंबर्स होते हैं उतने बड़े ही झूठे होते हैं लोग। यार, ऐसा नहीं है कि एक पक्ष पूरा अपने चलता रहे और दूसरे पक्ष से कोई उनको उंगली उठाने वाला ना हो। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है, अगर अपोजिशन ना हो तो सरकार का होना भी बेकार है, क्योंकि फिर वो अपनी मनमर्जी करेगी। इसीलिए ये वीडियो बनाई जा रही है ताकि आप लोगों को झूठ ना बोला जाए, आप लोगों को बेवकूफ़ ना बनाया जाए किसी के थ्रू। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है आप लोगों से कि भाई, पहले तो ये लोग, ये जो छूने वाले हैं ना, पैंट से नीचे के हिस्सा छूने वाले हैं जो उसके, वो भाई कमेंट सेक्शन में गालियां मत देना, वो वीडियो छोड़ के चले जाओ पहले यहाँ से। तो भाई देखो, सिंपल सी चीज़ ये है कि पहले आपने बाइक बुक करी तो आपको मालूम चला कि मेरी बाइक बुकड है ऑलरेडी, और आपको क्या हुआ कि अब यहाँ से तो आपको फर्स्ट डिलीवरी मिल नहीं सकती। तो आपने क्या सोचा कि भाई पहली बाइक ली कैसे जाए? अब आप लोग ये सोचिए खुद कि महाराष्ट्र में, पुणे में जो रोड टैक्स पड़ता है उसके हिसाब से गाड़ी पड़ती है, ये गाड़ी बोल रहा हूँ यानी बाइक पड़ती है ZX10R 18,33,000 रुपए की, जो मुंबई का प्राइस निकला है वो 18,33,000 रुपए ऑन रोड प्राइस है। तो आप एक चीज़ समझिए, हर स्टेट का ऑन रोड प्राइस अलग है। एक बड़ा यूट्यूबर अगर एक बाइक खरीद रहा है तो वो डिलीवरी वहाँ ले रहा है, बाइक यहाँ से कलेक्ट कर रहा है, ऐसा क्यों है? और आप लोग कमेंट करते हो, मेहरबानी है उसकी। देखो सुनो सुनो, खन्ना जी कुछ कह रहे हैं, जरा खन्ना जी की सुन लो पहले। चलो अच्छा, अब आपने खन्ना जी की सुन ली है तो मेरी बात सुनो। भाई मैं ये कह रहा हूँ कि आपने डिलीवरी ली वहाँ से, ठीक है, आप गोवा गए या आप जहाँ भी, मतलब मुंबई में या गोवा नहीं गया, कहीं भी रुके हो आप बीच के पास, मैंने कहा आपका शॉर्ट देखा, लोगों को आपने इन्फ्लुएंस करके ये बताया कि भाई मैं बाइक खरीद रहा हूँ ZX10R, ड्रामा कर रहे हो होटल में खड़े हो, क्योंकि देखो खन्ना को नहीं मालूम है, खन्ना जी को अभी भी आइडिया नहीं है कि मैं कौन सी बाइक ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, और खन्ना रिएक्शन दे रहा है ओ भाई फिर से ले ली, सो देखो जरा। हाँ भाई ले ली, कह के ले ली और कह के लेंगे और ऐसे ही लेते रहेंगे अगर तुम झूठ दिखाओगे तो। मैं बोलता हूँ, अपना जो अमाउंट आपने पुणे में ट्रांसफ़र किया है ना, उसकी डिटेल्स आप शो करो, आप अपनी वीडियो में शो करो कि मैंने लोन लिया दिल्ली से और मैंने वो अमाउंट का चेक मैंने पुणे अकाउंट में दिया, और उसकी ट्रांजेक्शन दिखाओ,
तब हम मानेंगे कि आपने बाइक पुणे से ली। चलो भाई सर, मान ली बात, आपने बाइक पुणे से ली, तो वो वेस्ट दिल्ली कावासाकी के लॉट में क्यों आ रही है? आप तो बाइक ले चुके हो, ठीक है ना, आपकी बाइक तो पुणे से है, तो आपने अलग से मंगा ली होती। एक हफ्ता हो गया अब तक मोटो व्लॉग आपका आया नहीं, रीजन ऑफ दैट क्योंकि आपके पास बाइक ही नहीं है। और मुंबई से दिल्ली को भेजने में पैसे भी बहुत लग रहे थे। मेरी बाइक की डिलीवरी के बाद आपकी डिलीवरी हुई है और वो भी दिल्ली से। सो मेरी बाइक ZX10R इंडिया की ऑफिशियली पहली ZX10R है। चैसी नंबर मत दिखाना आप मेरे को, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। या चैसी नंबर मत दिखाना अपनी वीडियो में कि लोगों का बेवकूफ़ बनाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सबसे बड़ी गलती आप कर चुके हो कि एक जल्दबाजी, आपको बाइक लेनी है ना, लो ना बाबा, क्या पहला और क्या पिछला यार, समझ में नहीं आता। मैं तो बस एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि जीतने की दौड़ में आप खुद को हरा रहे हो। अरे भाई ये समझिए ज़रा। चलो आप ये सब सारी बातें छोड़िए, आप मेरे को बस इतना बताइए कि अब आप दोबारा डिलीवरी आपने क्यों ली? क्यों? क्योंकि आपके सब्सक्राइबर 27 लाख हैं, व्यूज़ आते हैं 2 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख, बाकी के 25 लाख सब्सक्राइबर्स कहाँ हैं भाई? या तो आपका कंटेंट पुअर है, मैं गलत हूँ तो भाई आप बता दो मुझे। जब आपके 27 लाख सब्सक्राइबर्स हैं तो आपकी एटलीस्ट हर वीडियो 1 मिलियन प्लस तो जानी चाहिए ना यार, 10 लाख तो होनी चाहिए, अप्रॉक्स होनी चाहिए, विद इन 2 डेज हो जाए। आप पीछे की जो आपकी वीडियोस का जो स्क्रॉल है वो मैं पीछे चला के दिखा रहा हूँ, उसको आप पीछे देखो, स्क्रीन पे चल रहा होगा, साइड में दाएं या बाएं में जहाँ भी चल रहा होगा देखो, वीडियो जाती है 3.5 लाख, 4 लाख, ये और वो बहुत कुछ चीज़ें मेरे को मालूम है। मैं ज़्यादा उन चीज़ों पर जाना नहीं चाहता हूँ। बाइक आप दिल्ली से ले रहे हो, जिस शोरूम से ले रहे हो उस शोरूम से पहली बाइक मेरी है, उससे पहले कोई इंडिया में डिलीवरी हुई नहीं है, और हुई भी है तो वो यूट्यूब पे आई नहीं है। तो सबसे पहली डिलीवरी आ रही है आपके भाई की, ठीक है, और अपना ब्लैक कलर जो सबसे बढ़िया कलर है, जिसमें लोगों को लगता है कि उसमें कुछ मिसिंग है। एक्चुअली क्या है ना, चेसिस नंबर में के चलते ना तुमने ब्लैक कलर नहीं लिया, कोई बात नहीं मेरे भाई, वो ये हरा तोता दुनिया चला रही है। 300 भी ऐसी है, 600 भी ऐसी आ रही है, 1000 भी ऐसी आ रही है, और ZX10R भी सेम पैटर्न में आ गई है। तो दैट्स वाई मैं ब्लैक कलर मैंने ले लिया है ऑलरेडी। ये वीडियो आज बन रही है, मेरा फ़ोन कहाँ है, चलो जहाँ भी होगा, ये वीडियो बन रही है आज फ्राइडे को शाम के 5 बजे, ठीक है। मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ हूँ, पीछे हरा पर्दा लगा हुआ है, आपने क्रॉप करके मैं दिखा रहा हूँ, हालांकि एक सेकंड देख लो, हरा पर्दा ऐसा होता है भाई, मालूम ही होगा, 500 रुपये में बिकता है भाई, हम लोगों को बेवकूफ़ नहीं बनाते हैं। लास्ट टाइम भी जब मैंने लास्ट टाइम बाइक ख़रीदी थी तो मेरी और JS की बाइक इकट्ठी आई थी, उसकी जो लास्ट डिलीवरी वाली वीडियो है आप उसमें जाके भी देख सकते हो, 2 बाइकें हैं, वो जब आके टेम्पो में शूट कर रहा है, 2 बाइकें खड़ी हैं, एक बाइक उसकी थी, एक बाइक मेरी थी। तो इस बार भी ऐसा ही हुआ है कि भाई उसकी बाइक और मेरी बाइक भी इकट्ठी आ रही है, और शोरूम से डिलीवरी मेरी पहले निकल रही है, और मोटो व्लॉग मैंने पहले बनाया है। ऑफिशियली देखा जाए तो बाइक फर्स्ट मेरी हो या भाई तेरी हो, लेकिन लोगों को बेवकूफ़ मत बनाओ कि एक गाड़ी के ऊपर से पर्दा हटा के और एक वो जापानीज़ आदमी ने गुलदस्ता दे दिया आपको, और आपने बोल दिया कि मैंने पुणे से पहली बाइक ले ली। भाई पहली बाइक लेना क्या होता है, आप पुणे से लेते बाइक, वहाँ से निकलते लेके बाइक, अपनी लोड कराते लेके आते, या चला के मोटो व्लॉगिंग करते हुए घर आते। आपने ऐसा नहीं किया क्योंकि ये चीज़ प्लान्ड ही नहीं थी। अब क्या होता है ना कि हमारे सब्सक्राइबर्स कम हैं तो हम भाई सच दिखा रहे हैं, और जिनके सब्सक्राइबर्स ज़्यादा बड़े हैं वो लोगों को व्यूज़ के चक्कर में बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो आप लोग बेवकूफ़ बन रहे हो, और इसके बावजूद भी जो उसके वो क्या होते हैं ना, मार्बल्स होते हैं, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, वही 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 मार्बल यार, जो बच्चे खेलते हैं यूं करके, वो लोग मुझे पता है नीचे क्या क्या बोल के जाने वाले हैं भाई। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में वीडियो में बोला था कि ऐसा मत करो, मतलब यार शर्म नहीं है लोगों को। मेरे को समझ में नहीं आता यार
कि बेवकूफ़ आप लोगों को बनाया जाता है। हम देखो, मुझे, मैं सबसे पहले आपको बोल रहा हूँ, एक भी भाई अगर इस किसी को ये बात झूठ लगती है तो सब्सक्राइब करके मत जाना, और किसी मेरे सब्सक्राइबर को ये लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप मेरे को ना अनसब्सक्राइब कर सकते हो, मुझे कोई इशू नहीं है। आप लाइक मत करो, डिसलाइक मत करो, फॉलो मत करो, कोई इशू नहीं है। सच मैंने दिखा दिया है, आपको जो देखना है वो अब अपने बंदे से जाके इंस्टाग्राम पे पूछिए। मैं इंस्टाग्राम अभी चला नहीं रहा हूँ, जब चलाऊँगा तब आपको बता दूँगा। थोड़े दिन में एक व्हाट्सएप नंबर देने वाला हूँ जिसमें मैं अपने, जो भी मेरे से बात करना चाहेगा वो व्हाट्सएप पे बात कर लेगा। हम किसी को घुमाते नहीं हैं, करते नहीं हैं, और वो तो वीडियो में बोलते हैं भाई कि हम बुराई के बारे में बात नहीं करते हैं। तो भाई मैं सीधी सी इतनी बात कहना चाहता हूँ यार, तू मेरे रास्ते में भाई क्यों आता है? मैं जा रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं करना भाई, मैंने अपनी बाइक बुक करा दी, तू अपनी बाइक ले ले यार। तू क्यों ड्रामे कर रहा है वहाँ जाके कि भाई तू फर्स्ट डिलीवरी ले रहा है, तू ये कर रहा है, तू इंडिया की फर्स्ट? यार छोड़ दे भाई ये सब चीज़ें, ठीक है ना? होंगे तेरे नंबर ज़्यादा क्योंकि तेरा धंधा ये है, ठीक है? जिस दिन YouTube बंद हो जाएगा ना, उस दिन भाई तेरे को सोचना पड़ेगा तू करेगा क्या, ठीक है? ये सब चीज़ें छोड़ दे, लोगों को बेवकूफ़ मत बनाओ। जब तक आपको कोई उंगली उठा के नहीं बोलेगा ना, तब तक आपको समझ में नहीं आएंगे। और मैं आपको उंगली उठा के बोल रहा हूँ, अगर आप सच्चे हो ना तो आप पेपर्स दिखा देना, ठीक है? चाहे आप पर्सनली मेरे नंबर पे पेपर्स दिखा देना, आपके वेस्ट दिल्ली कावासाकी में मेरा नंबर सबके पास है, ठीक है ना? और मेरे को आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, आई वॉन्ट टू मीट यू। नो ब्रदर, अपना एक अलग लाइफस्टाइल है, अपना अलग तरीके से जीते हैं। आप चाहते हो आपके गैराज में बहुत सारी बाइकें हों, तो ऑडियंस को ना फेक थिंग्स को प्रेजेंट करके ना व्यूज़ मत लो यार, जेन्युइन चीज़ दिखाओ, अच्छी चीज़ें दिखाओ। आप ट्रैवलिंग व्लॉग्स करते हो, अप्रिशिएट करता हूँ मैं, लेकिन झूठ नहीं दिखाओ भाई। झूठ दिखाओगे तो अभिषेक कौशिक ऐसे ही हरे पर्दे पे बैठ के एक्सपोज करता है ऐसे ही बताएगा भाई कि आपने फेक डिलीवरी ली। क्या ली? फेक डिलीवरी। और इसके प्रूफ मैं आपको दिखा दूंगा। अदरवाइज ये वीडियो आप देखो, उसके बाद आप महाराष्ट्र में या मतलब पुणे में आप अपना पेमेंट का चेक भेज दो, वो बात अलग है। सब कुछ आपका यहाँ पे है, लोन अमाउंट सब का, और क्या डिस्काउंट। सबसे बड़ी चीज़ एक मैं आपको बोलना चाहता हूँ, सारे व्यूअर्स को, सारे बाइकिंग ग्रुप्स को बोलना चाहता हूँ भाई, अगर आप यूट्यूबर हो ना, अगर आप यूट्यूबर हो तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हो, जैसे फेक डिलीवरी पे बनाया गया है, ठीक है? तो भाई फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, एक्सपोज हमने कर दिया है, सच्चाई आपको बता दी है। अब जाओ अपने अच्छे अच्छे महान अच्छे मोटो ब्लॉगर से पूछो जाके कि भाई ये क्यों है, क्या है और कैसे नहीं, और अपने फ्रेंड्स के पास ये वीडियो भेजो ताकि सच्चाई का सबको पता चल सके। और खन्ना जी कुछ कह रहे हैं, ज़रा खन्ना जी की सुन लो एक बार। चलो भाई, खन्ना जी ने बोल लिया है, अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक पीस आउट।